ये देखो ये फ्लैश जो है मैं इसे ही अनबॉक्सिंग करने वाला था, ठीक है। तो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, ये फ्लैश गन का सब कुछ डिटेल्स रिव्यू आपको देने वाला हूँ, क्या क्या है इसमें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज, जो चीज मैं बोल देता हूँ पहले रिव्यूअली, इसमें एक चीज बहुत खराब है, इससे बैटरी बहुत कंजम्पशन होता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो जो भी बैटरी लगाओ इसमें, बहुत पावरफुल बैटरी लगाना चाहिए, और जो भी बैटरी है दो दो सेट रखना चाहिए, नहीं तो आप काम करते करते इसको यूज करते करते बैटरी खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। ये रहा मेरा कैमरा का फ्लैश गन, देखो ये ऐसे बैग में आया था। एक्चुअली इसका जो पैकेट आया था वो मैं फेंक दिया हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी तो जानते हो कोरोना का टाइम है, बहुत सारा प्रॉब्लम दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं उसको पैकेज को फेंक दिया। तो ये रहा मेरा फ्लैश गन, ऐसे ही बैग में आप रख सकते हो, ये बैग उसके साथ ही देगा। ये देखो ये दिखने में ऐसा है, ठीक है। ये देखो ये एक्चुअली मैनुअल है, इसको ऑटो भी सेट कर सकते हो आप। तो ये दिखने में ऐसा आता है, ये देखो, ठीक है। और ये देखो ये ऐसे बैन होता है, ठीक है, ऐसे घूम भी जाता है, ये देखो 360 डिग्री घूमता ही है बिल्कुल। इसका आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, कैमरा में आप लगा सकते हो, इसे नॉर्मली लगा के यूज कर सकते हो। तो इसे इसके लिए चार बैटरी जरूरत होता है, ये देखो मेरे पास चार बैटरी है, तो ये चार बैटरी मैं इनपुट कर लेता हूँ इसमें। इसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा, ये देखो पॉइंट दिया है इसमें, कैसे कैसे बैटरी को डालना है, कैसे कैसे सेट करना है वो दिखा देगा। मैं जल्दी कर लेता हूँ ये वाला, अभी देखो इसमें स्विच भी दिया हुआ है, ये ऑफ ऑन का स्विच है, ये वाला स्विच, तो इसमें ऑन करोगे तो ये दिखेगा। ये देखो इसका ऑप्शन है, ये है ये पावर ऑप्शन है, तो ये जो है ये नॉर्मली ये दिखा रहा है बैटरी इसमें कम है, तो मेरा बैटरी चार्ज करना होगा तो इसलिए कम है तो दिखा रहा है। और इसमें देखो ये S2 है, S1 है, ये मैनुअल है। मैनुअल में सेट करोगे तो मैनुअल में क्या होगा, आप जब कैमरा के साथ ही सेट करोगे, कैमरा के साथ जब फ्लैश करोगे तो ही फोटो उठे पिक्चर आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कैमरा में सेट करके, लेकिन पहले ये देखो ये वाला, और ये मोड जो है ये मोड को दबाने से ये चेंज होता है। S1 मतलब क्या है, ये सेंसर से लेगा या ट्रिगर से, जब ट्रिगर किसी में कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करके स्टैंड में डाल के ये यूज़ कर सकते हो, या आपका जो कैमरा है उसका जो फ्लैश है इनबिल्ट उसको आप ओपन करके इसे यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये S2 मतलब ये थोड़ा दूर अगर रखते हो इसे तो सेंसर लेने के लिए, ट्रिगर लेने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसे देखो माइनस जो है इसमें पावर बढ़ा सकते हो फ्लैश का, और इसमें माइनस से कम करोगे प्लस से बढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये मोड से चेंज कर सकते हो, ये देखो फ्लैश का पावर कितना है, देखा देखो कितना पावर है, नीचे देखो, ये देखो ये मोबाइल का कैमरा भी नहीं ले पा रहा है, इतना पावर है इसमें। और ये देखो ये फिल्टर है, ये फिल्टर से ऐसे हो सकता है, ये रिफ्लेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट करेगा इसको, और इसे ऐसे बैंड करके ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं एक बार कैमरा में सेट करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो मेरा 50D है इसमें ही लगा के दिखा देता हूँ अभी। चलो इसको सेट कर लिया, अभी देखो ये ट्रिगर को कैसे सेट करते हैं, ये देखो सेट हो गया ट्रिगर, देखा ये देखो ये जो पॉइंट है इसको इसमें सेट करना होता है, ये देखो। और ये जो देखो ये पैच है, एक
तो इसको टाइट करने से ये फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखो हो गया। अभी जैसे ही इसको मैं ऑन करूँगा कैमरा को, कैमरा तो ऑन हो गया। अभी जैसे ही मैं कैमरा का कोई पिक्चर लूँगा दूसरा वाला, ये देखो वैसे ये फ्लैश होगा। ये देखो फ्लैश हुआ, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था आपको, जो एस मोड है, एस मोड में जाके कैसे ले सकते हो, ये देखो, ये कम ज़्यादा करके भी आप पिक्चर ले सकते हो, जितना आपको फ्लैश चाहिए उतना ले सकते हो, तो ऐसे ही कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना भूल गया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके साथ और एक चीज़ दिया गया है, ये स्टैंड, ये वाला स्टैंड दिया हुआ है इसको माउंट करने के लिए। नेचुरली देखो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको ही देखो, मैं आपको बोला जैसे कैमरा में सेट किए थे वैसे ही इसको स्टैंड में सेट कर लो, ऐसे सेट करके इसे कर दो। ये देखो एक ये स्टैंड हो गया। अब ये देखो इसका जो मैं बोला था ना आपको कि ये वाला जो बटन है, ये एस जो है, तो मैं इसे एस में लेके जाऊंगा। अभी मोड को दबा के S1 में ले लिया, तो अभी देखो जैसे ही मैं ये कैमरा का फ्लैश या ट्रिगर को यूज करूंगा, ये कैमरा का फ्लैश को ऑन कर लिया। आप देखो, ये देखो फ्लैश ऑन हो गया है, तो इसका भी फ्लैश होगा ऑटोमेटिकली। ये देखो, देखा, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फिर भी इसका फ्लैश हो रहा है। ये देखो, देखा, मतलब जैसे ही कैमरा का फ्लैश यूज करूंगा इसका भी फ्लैश होगा ऑटोमेटिकली। ये सेंसर में ले रहा है ऐसे ही, ये नॉर्मली सेंसर से काम करता है, लाइक आप ट्रिगर में इसको यूज कर सकते हो। यही है सिस्टम, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसका ये चीज बहुत अच्छा है, और ये लगभग मुझे, मैं लोकल मार्केट से ख़रीदा था तो ये मुझे 2000-2500 के आसपास मिला था। ये बहुत अच्छा है, और इसका जो बैटरी मैं लिया था, ये बैटरी भी बहुत अच्छा बैकअप देता है, ठीक है। तो ये अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।